नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उस तिरंगे की लड़ाई लड़ रहे थे जो पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा था, जो भारतीय भावनाओं, भाईचारे, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के जरिए नेताजी ने इस लड़ाई को एक अलग ऊंचाई दे दी थी। ये ऊंचाई उनके संबोधन में भी नजर आ रही थी। भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान की धरती पर लड़ रही है, सारी दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ रही है। ये हथियार बंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक कि ब्रिटिश राज को देश से उखाड़ नहीं देंगे। दिल्ली के वाइस रॉय हाउस पर तिरंगा फहरेगा। ये नेताजी का अपने प्यारे देश के नाम संबोधन था, लेकिन अगला संबोधन अपने उस प्यारे नेता के नाम था जिनकी प्रेरणा से वो आजादी के आंदोलन में शामिल हुए और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। नेताजी के अगले शब्द थे, राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। नेताजी का ये संबोधन था गांधी जी के नाम। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर जापान की जमीन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश के नाम ये संबोधन भारत की एक ऐसी धरोहर बन गया जो आज भी गर्व का एहसास कराता है। नेताजी के इस संबोधन में दो बातें अहम थी, तिरंगा फहराने की इच्छा और गांधी जी के प्रति अटूट सम्मान। साथ ही गांधी जी के प्रति अटूट सम्मान के जरिए नेताजी ने ये संदेश दे दिया था कि भले ही वो जापान की जमीन से आजादी की लड़ाई का आगाज कर रहे हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई के असली सेनापति तो गांधी ही है। यही कारण है कि नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। गौर करने वाली बात ये है कि नेताजी ने जिस तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद विभाजनकारी मानसिकता ने उसी तिरंगे को नकार दिया, फहराने से इनकार कर दिया। लेकिन हम भारत के लोग अपनी धरोहर के साथ मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय हिंद।